आपके अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए टैग टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टैग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टैग टू एडवांस में आप सभी व्यूअर्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक नई ट्रिक के साथ। आजकल कई स्मार्टफोन यूजर्स को शिकायत होती है कि उनके फोन की टच स्क्रीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, कई बार टच स्क्रीन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती है। अगर आप भी इन प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो एक ऐप की मदद से आप इस परेशानी से निपट सकते हैं। हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये जो ऐप का आपको अब सबसे पहले आपको इस फोन में अपने टच स्क्रीन रिपेयर नाम के एक ऐप को डाउनलोड करनी होगी, जो आपको प्ले स्टोर पे फ्री मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको करके दिखाते हैं इसको, आप किस तरह वर्क करेगा आपके फोन पे। तो चलो चलते हैं। तो पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको लिखना है, जैसे मैंने देख सकते हैं हिस्ट्री में, टच स्क्रीन रिपेयर ऐप। वैसे फ्रंट पे में मिल जाएगा टच स्क्रीन रिपेयर, जिसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन होते ही ये वर्क कैसे करता है, सब चीज़ आपके यहाँ पे दिखाएगा आपको डेमो करके। तो इसे ओपन करके मैं ही बता दूँ। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम चारों बॉक्स, जैसे कि हमें अभी नॉर्मल दिखाई देगा, तो हम स्टार्ट करके अपना आगे के प्रोसेस चलाते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये देख सकते हैं कि आप चार बॉक्स और यहाँ पे लिखा है टैप ऑन द ग्रीन एरिया, मेक ए क्विक सिंगल टैप, डोंट मेक ए लॉन्ग प्रेस, डोंट ड्रग योर फिंगर। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि सबसे पहले तुरंत इसे हमें टैप करते हुए जल्दी से जल्दी, जितना फास्ट होगा उतना रिस्पॉन्स, मतलब टच करना है, यानी कि आप इसे दबा के रखें। तो यहाँ पे आप टैप करने के लिए, तो तुरंत टैप कर देंगे यहाँ पे, फिर अपने आप ही रिपेयरिंग करेगा। ओनली देखा, जैसे मैंने जल्दी से हटाया तो इसने मना कर, तो ओनली एक सिंगल टैप देना है इस पे ऐसे नॉर्मली। दोस्तों, कम से कम आपको ये प्रोसेस 3 बार करना पड़ेगा ओनली। दोस्तों, कोई फेक चीज नहीं है ये, मैं ऑलरेडी अपने दूसरे फोन में ये मैंने रियलाइज किया है कि मेरा टच स्क्रीन काफी स्मूथ हो चुका है। इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बना के आपके लिए ही ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने नॉर्मल टच को थोड़ा फास्टली कैसे बनाएं करके दिखाएंगे कि आपका कौन सा फोन का नाम, जैसे कि देखा देख सकते हैं कि कौन सा फोन का नाम है और ये कौन सा आपके फोन में एंड्रॉयड है। दोस्तों, Xiaomi K3 Note देख रहे हैं, एक्चुअली मैंने अपने K3 Note में Xiaomi का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, इसलिए दिखा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, सक्सेसिव टच स्क्रीन रिस्पांस टाइम हैज बीन रिड्यूस 7 मिलीसेकंड। ये देख सकते हैं आप, जैसे और भी हमारा तेज हो गया है। यू रिकमेंडेड योर रिस्टार्ट डिवाइस योर बेस्ट बजट, इसके लिए हमें एक बार सिस्टम में से हमें रिस्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपना फोन रिस्टार्ट कर लिया है। जो एप्स कह रहा था रिस्टार्ट करने का, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो दोस्तों, ये सच्ची बात है कि मैं अच्छे से रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरा टच काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है एक्चुअली पहले के मुकाबले। तो दोस्तों, इसी तरह टिक मैं आपके लिए दोस्तों और लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो दोस्तों मैं और लाता रहूँगा आपको, अगर हमारा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।